आज का क्लास में मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर दो करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो करने वाले हैं, आपको पता ही है हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समानांतर श्रेढ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। समानांतर श्रेढ़ी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम वन किए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस चैप्टर में एपी के एनमा टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एपी के एनमा टर्म मतलब एपी के एनमा पद, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम बताए थे एपी का जो एनमा पद होता है उसे एन या टीएन द्वारा सूचित करते हैं। सही बात है, एपी के एनमा पद को एन या टीएन द्वारा सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला बताए हैं, आपको याद होना चाहिए, एक बार मन में बोल लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मन में बोलिए तो यहां देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, आपको याद भी है। टीएन या एन एपी का एनमा पद, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही बात है, यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला पे टोटल क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में बनाएंगे 5.2 में। 5.2 में इसी फॉर्मूला पे टोटल क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसे भी सभी फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो गणित आपको अच्छा तरीका से बनेगा। कॉपी कलम निकाल कर आप क्या हो जाइए मित्र, रेडी हो जाइए। शुरू अब करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले आप कॉपी कलम निकाल के रेडी होइए और साथ में आपको नोट भी करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए एपी 10-7-4 का 30वां पद है, मतलब ये चार को विकल्प दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एपी 10-7-4 का 30वां पद निकालना है और बताना है कि ए बी सी डी चारों में से कौन सा होगा। तो हमें 30वां पद निकालना है, कौन सा 30वां पद। तो आपको हम बताए थे 30वां मतलब ए 30, 30वां मतलब ए 30, हमें क्या करना है निकालना है। सही बात है मित्र, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जरा समझिए अच्छा से, समझिए अच्छा से, गणित है समझने का और सीखने का चीज है। तो देखिए हमें ए चाहिए मतलब प्रथम पद, ए मतलब क्या होता है मित्र, प्रथम पद होता है। ए ए कहां ध्यान है, इधर जरा देखिए, प्रथम पद क्या है ए। उसके बाद एन पदों की संख्या, याद होना चाहिए आप, ए क्या है पदों की संख्या, डी क्या है सर्वांतर है। ए जो है प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म होगा। एन क्या है मित्र, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या है, डी यह है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। क्या है जी, कॉमन डिफरेंस। ए एन और डी अगर हो जाए तो हम ए एन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब ए 30 निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम पहले नोट कर लेते हैं, क्या करते हैं नोट। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जब हल करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1 मार्क्स में भी, और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो जरा टकटकी लगाकर और चेचिस तगड़ा करके आप क्या कीजिए मित्र, समझिए। तो यहां देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवेन, गिवेन मतलब दिया है, आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया है, तो हम लिख दिए गिवेन। तो सबसे पहले बताइए इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। सही बात है, तो प्रथम पद ए, ए क्या है, तो देखिए प्रथम पद क्या है मित्र, 10 है। आपको दिखा
समझिए अच्छा से, हम बार बार यही बोल रहे हैं, गणित समझने और सीखने का चीज है। ए मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद यहां देखिए कितना है तो 10 है। उसके बाद डी, तो डी को सर्वांतर बोलते हैं। देखिए यहां पे डी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं भी दो पद लगातार दो पदों को अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। तो लगातार दो पदों के अंतर ले लीजिए कहीं का भी, तो हम यहां का ले लेते हैं ये दोनों का, तो 4 में से 7 घटा दीजिए, 4 और माइनस 7, तो 4 में से 7 जाएगा तो ये माइनस 3 बचेगा, क्योंकि 7 वाला बड़ा है, 7 में 4 गया 3 और 7 बड़ा है तो ये माइनस हो गया। आप देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 में से ही 7 घटाइए, अगर यहां भी ये दोनों को लेते हैं तो 7 में से अगर 10 घटाइएगा तो 7 में से 3, ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 10 बड़ा है ये माइनस है तो यहां क्या हो गया माइनस। मतलब कहीं भी दो पदों के लगातार दो पदों के अंतर लेते हैं तो वो सर्वांतर होता है, डी होता है। क्लियर है। अब हमें देखिए 30वां पद निकालना है मित्र, कैमा पद निकालना है 30वां पद, 30वां पद मतलब ए 30 हमें क्या करना है निकालना है। तो बताइए एन कितना है, पिछला क्लास में हम बता चुके थे एन कितना है, जल्दी बताइए। तो एन यहां पे देखिए कितना है 30वां, तो 30वां मतलब एन 30 है, यही तो होता है 30, यही एन होता है, तो एन क्या है मित्र 30 है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें ए 30 निकालना है, तो चूंकि ध्यान से देखिए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है एन। अब देखिएगा ए एन 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 यहां रखिए, तो एन कितना है बताइए हमें, तो 30 है। क्लियर है, अच्छा से समझिए आप, एन यहां देखिए 30 रख दिए हम, ए ए देखिए कितना है तो 10 है, ए ए कितना है तो 10 है, तो ए के जगह पे यहां पे रख देंगे हम लोग 10। प्लस एन एन यहां देखिए कहां है, एन कितना है 30 है, तो एन के जगह पे हम लोग रख रहे हैं 30 और माइनस 1। क्लियर। अब गुना डी, ये वाला डी, तो डी देखिए हम कितना निकाले हैं तो माइनस 3, तो यहां रख दिए माइनस 3, कुछ भी हम नहीं किए हैं। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन के जगह 30 मतलब 30वां पद हमें निकालना है, तो 30वां पद ए 30 होगा, तो ए 30 बराबर, ए 30 बराबर, ए का मान देखिए 10 है तो हम ए के जगह पे क्या रख दिए 10 रख दिए। उसके बाद एन यहां पे है तो एन देखिए 30 है तो एन के जगह पे 30 माइनस 1, और डी जो है वो देखिए माइनस 3 है तो माइनस 3। अब इसे हल कर दीजिए तो ये हो गया 10 प्लस, बताइए 30 में से एक गया, जल्दी बताइए मित्र 30 में से एक गया तो 29 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ध्यान दीजिए घटा कराओ देखिए, 30 में से एक गया तो बिल्कुल 29 होगा 29, और ये माइनस क्या हो गया 3। ये तो आपको हल करने आता है, जल्दी कीजिए, तो देख रहे हैं क्या, किसका इंतजार आप कर रहे हैं, 29 या 87 होता है कि नहीं, 29 या 87 माइनस 87 हो गया, 29 या 87 होता है माइनस 87। चलिए अब ये घटा दीजिए, 87 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 70, लेकिन माइनस में होगा, क्यों माइनस में, इसलिए क्योंकि 87 बड़ा है ये माइनस में है, यही ना है, तो ये माइनस हो गया, 87 में से 10 गया तो सॉरी 70 होगा, क्या होगा, हम भी तो गड़बड़ कर दिए, 77 होगा, 87 में से 10 जाएगा तो 77, देखिए घटा कर दिखा देते हैं, यहाँ 10 ये 7 हो गया, 8 में से गया तो 77 हुआ कि नहीं, और देखिए 87 बड़ा है तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 77, माइनस 77। तो देखिए 30वां पद कितना आया, इसलिए ए 30 मतलब 30वां पद आ गया मेरा माइनस 77, और यही क्या है आंसर। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो सी नंबर आपको दिख रहा है माइनस 77 है कि नहीं है, तो यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, जरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन बनाने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन और है दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी 2 का दूसरा देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो उसी तरीका से है, एपी माइनस 3, एपी माइनस 3
माइनस वन बाई टू और यहाँ दो डॉट 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 का एगरमा एकरमा पद है। एगरमा पद देखिए हमें बताना है इस बार, ए नंबर में दिया हुआ है मित्र, 28 है, ऑप्शन भी दिया है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन भी दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। बी नंबर क्या है 22 है, सी में क्या है माइनस 38 है, और डी का जो ऑप्शन है डी का माइनस 48 वन बाई टू है, 48 माइनस 48 पूर्णांक 1/2, यही देखिए क्वेश्चन है। एपी माइनस 3 मिला लेते हैं ठीक से हम, माइनस 3 माइनस 1/2 और 2 का एगारहवां पद है, एगारहवां पद इसमें देखिए निकालना है, तो जैसे इसमें किए थे सॉल्यूशन उसी तरीका से हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है, मतलब गिवेन लिख दिए, कोई दिक्कत, सबसे पहले दिया हुआ है तो बताइए प्रथम पद इसका कितना है, प्रथम पद मतलब होता है ए, तो बताइए प्रथम पद क्या है जल्दी बताइए आप। तो प्रथम पद यहां देखिए मित्र, जो पहले होता है वही प्रथम पद होता है, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही है। ए, ए, कहां ध्यान है आपका, इधर देखिए, तो प्रथम पद है आपका माइनस 3, उसके बाद सर्वांतर निकालना है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो देखिए कहीं भी दो गो घटा दीजिए, ये दोनों को हम घटा देते हैं, तो अगला 2 है और माइनस पिछला तो माइनस 1/2 क्या है 2 है, जरा अच्छा से समझिए मित्र नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। देखिए 2 अगला, ये दोनों को हम ले रहे हैं, तो अगला है 2 और माइनस फॉर्मूला का, माइनस फॉर्मूला का, और ये भी देखिए पिछला है माइनस 1/2, जब इसे हल करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2, एलसीएम कितना होगा 2, तो ये देखिए 2 2 4 और प्लस 1, आप तो एक बार में कर सकते हैं, देखिए एलसीएम हम कितना लिए 2, तो ये 2 गुना 2 गुना हो जाएगा, तो 2 2 4 और प्लस 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट 4 प्लस 1 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, क्लियर है यहाँ तक, एलसीएम ले लिए। अब हमें कैमा पद निकालना है, तो 11वां पद निकालना है, कौन सा पद 11वां पद, तो यहाँ जरा देखिए 11वां पद, 11वां पद मतलब ए 11 होगा, क्या होगा ए 11, तो ये हमें क्या करना है मित्र निकालना है, 11वां पद क्या करना है निकालना है, तो एन बताइए क्या है, तो एन तो डायरेक्ट दिख रहा है 11 है, यही तो एन होता है एन, तो ये क्या है जैसे एन लिखते हैं हम लोग, तो देखिए ए और एन, ए एन, तो एन कितना है 11 है कि नहीं है, 11वां मतलब 11वां पद, एन 11 है, तो एन कितना हो गया मित्र 11 हो गया। तो जरा आप देखिए, तो सबसे पहले अब लगा देंगे फॉर्मूला एन का, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू क्या हो जाएगा मित्र डी हो जाएगा, क्लियर है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इनटू क्या है डी है, आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, तो ए एन कितना है 11, तो यहां 11 मतलब 11 पद पद में कौन सा संख्या होगा या कौन सा पद है, 11 पर कौन सा पद होगा, तो ए का मान रख देते हैं, ए कहां है तो यहां देखिए माइनस 3 है कि नहीं है, देख लीजिए टकटकी लगा के देखिए माइनस 3 छेचिस तगड़ा कीजिए, एन 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 11 11 माइनस 1 और इनटू डी डी डी, तो डी देखिए कितना निकाले थे 5/2 था, क्लियर है, जरा ध्यान से देखिए, देखिए आप यहां से भी डी निकाले तो इतना ही आया, आप ये दोनों भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, देखिए हम निकाल कर दिखा देते हैं, माइनस 1/2 अगला और माइनस पिछला तो माइनस क्या है 3, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये देखिए माइनस 1 है प्लस 3 2 6 6 में से गया तो 5/2, तो देखिए यहाँ भी डी कितना आया, डी कितना है 5/2 और यहाँ भी आया 5/2, मतलब कहीं भी लगातार दो पद को आप लेते हैं तो डी क्या आएगा सेम आएगा,
डी क्या आएगा मित्र, सेम आएगा। तो आगे आप जरा देखिए यहां पे हल करते हैं, सबका मान हम रख दिए माइनस थ्री प्लस 11 में से एक घटाइए, जल्दी आप 11 में से एक घटाइए, तो 11 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से एक जाएगा तो 10 बचेगा और गुने 5/2, ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो ये देखिए माइनस थ्री और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, तो ये हो गया आपका 25। अब 25 में से 3 जाएगा मित्र, 25 में से 3 घटाइए तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो ये हो गया आपका 22 और 22 25 वाला बड़ा है तो इसलिए क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। तो ए 11 मतलब 11वां पद आपका निकल गया 22 हल करने के बाद, और यही मेरा क्या है आंसर है। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि 22 कौन सा नंबर में है, तो बी नंबर में देखिए 22 है, तो ये मेरा बिल्कुल क्या है मित्र, सही है, बिल्कुल क्या है सही है। तो आप इसे अच्छी तरीका से पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 नंबर, पहले नोट कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा करेंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है मित्र, 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, टोटल कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, पांचों को अच्छा तरीका से हम समझेंगे। फॉर्मूला तो ही इस्तेमाल हो रहा है an इक्वल टू, आप भी याद कीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हो रहा है इस्तेमाल। तो जरा देखिएगा ये जो 3 में है क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि खाली जगहों को भरे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में सभी क्वेश्चन में बॉक्स बना हुआ रहेगा, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस तरह का बॉक्स बना हुआ रहेगा और हमें उसमें भरना है कि क्या होगा, मतलब कौन सा पद होगा या कौन सा संख्या होगा। तो देखिए जरा मित्र, जो बॉक्स है उसे हम कुछ मान लेंगे, उसे हम क्या करेंगे कुछ मान लेंगे, मानने के देखिए इसमें टोटल कितना टर्म आपको दिख रहा है, तो 3 टर्म है, मतलब 3 पद है। आराम से समझिए, अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो इसी पे आधारित सभी क्वेश्चन आपसे बच जाएगा। तो 1, 2, 3 पद है टोटल, तो ये है A1 और ये है A2 और ये है आपका A3 है, A1 A2 और ये क्या है मित्र A3 है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं A2 बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, ये A2 है, लेकिन जब 3 गो है तो इसे X भी आप चाहे तो क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर X मानकर बनाइएगा तो और अच्छा बात है, और मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ये है A1, ये है A2 और ये है A3, लेकिन हम इसे क्या मान रहे हैं X, तो इस बॉक्स में हम लोग देखिए मान लेंगे X, तो ये हो गया आपका X हो गया। अब इसे हल करना है, तो बताइए सर्वांतर जो होता है वो एपी में है, ये सभी क्वेश्चन दिया हुआ एपी में रहेगा, क्या चीज में रहेगा एपी में, तो ये एपी में है तो सर्वांतर आपस में समान होना चाहिए, सर्वांतर आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो सर्वांतर जो निकालते हैं मित्र, सर्वांतर जो डी निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, क्या बोले हम अगला पद माइनस पिछला पद। तो जरा देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों के लिए लेते हैं तो अगला है x और पिछला है 2, सही बात है कि नहीं, तो अगला है देखिए x और पिछला है 2, तो अगला और माइनस पिछला लिख दिए। अब देखिए इस यहां का भी ये दोनों पदों का भी अगर अंतर निकालते हैं तो सर्वांतर तो समान होना चाहिए, तो देखिए यहां 26 माइनस एक्स ये दोनों के लिए निकाल रहे हैं मित्र, ये दोनों के लिए, तो अगला क्या है 26 है, अगला 26 और पिछला x, तो 26
और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां पे चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे। किसी भी एपी के, किसी भी एपी के आप लिखते चलिए, लिखते चलिए साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी एपी के लगातार दो पदों का अंतर आपस में हमेशा समान होता है या बराबर होता है, हमेशा समान होता है या बराबर होता है। क्या लिखें हम लोग, किसी भी एपी के लगातार दो पदों का अंतर आपस में हमेशा बराबर होता है। तो लगातार दो पदों का अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम पहले भी आपको बेसिक में बता चुके हैं, जो स्टूडेंट बेसिक का वीडियो नहीं देखे हैं वो बेसिक का वीडियो देख लीजिएगा एपी का, तो ज्यादा मजा आएगा, समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जरा देखिए, तो सर्वांतर तो हम लगा दिए, ये लगातार दो पदों का अंतर आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहां समझिए, दो एक्स और 26 हम यहां पे नोट कर लिए, इसे लगातार दो पद, तो एक बार ये दोनों लगातार दो पद लिए, लगातार देखिए, तो अगला माइनस पिछला सर्वांतर, अगला एक्स माइनस टू, तो देखिए एक्स माइनस टू, फिर ये दोनों लेंगे लगातार दो पद, अगर इसको हटा देंगे तो ये लगातार है, तो 26 माइनस एक्स, अगला माइनस पिछला 26 माइनस एक्स, तो यहां देखिए 26 माइनस एक्स, और हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम इसे क्या कर दिए, बराबर, क्योंकि एक ही एपी का जितना भी सर्वांतर निकालिए आपस में बराबर होगा। अब इसे हल कर दीजिए, देखिए ये है आपका एक्स, एक्स माइनस दो, एक बार हम ठीक से लिख देते हैं और इसे हल कर देंगे। ये जो x है उसे इस तरफ ले आई है, आराम से हल कीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए x, और ये माइनस से इस तरफ लाएंगे तो क्या चीज में होगा, प्लस में, तो माइनस से इस तरफ आ गया तो प्लस में हुआ, और ये है आपका 26, और ये माइनस दो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस दो। क्लियर है, x है और ये माइनस से इस तरफ आया तो प्लस में, ये 26 था, ये माइनस से दो उस तरफ गया तो प्लस में हो गया। चेचिस तगड़ा कर लीजिए जरा समझने के लिए, x और x कितना होगा, तो 2x होगा, ये दोनों को जोड़ दिए, और 26 और 2 कितना होता है, 28 होता है, ये तो पता है, ये 2 से कटता है ये भी आपको पता है, तो कितना टाइम्स में कटेगा, 14 बार में, इसलिए x का जो मान आया वो कितना आया, 14 आया, मतलब ये जो बॉक्स में संख्या होगा वो कितना होगा, 14 होगा। अरे कितना होगा जी, तो इसमें 14 होगा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चलिए पहला विधि है, फर्स्ट मेथड, पहला विधि। एक विधि हम और करते हैं, दूसरी विधि से आपको सिखाते हैं, बहुत मजा आपको आएगा। सेकेंड मेथड वो है, पहला विधि फर्स्ट मेथड, और यह सेकेंड मेथड दूसरी विधि। सुनिए मित्र, एगो नोट बात पहले आप क्या कीजिए, सुनिए, या डेंजर, बहुत ही बेहतरीन बात बोलने जा रहे हैं। यदि तीन पद एपी में हो, यदि तीन पद एपी में हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यदि तीन पद, कितना पद, हमें तीन ही पद होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए ए है और बी है और सी है, ये ए बी सी एपी में है, क्या चीज में है, एपी में है, साथ में नोट करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि तीन पद एपी में हो, इसे डेंजर कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेंजर मतलब खतरा आ गया है, क्या आ गया है, खतरा, ये बहुत कमाल का चीज है, अभी जानेंगे तो बहुत मजा आएगा। यदि तीन पद एपी में हो, तो यहां देखिए कितना पद है, तीन पद है ए बी सी एपी में, तो जड़ी बूटी समझिएगा क्या है, इसका जड़ी बूटी समझिए क्या है,
तो बीच का किसका, बीच का दुगुना, बीच का दुगुना अगल और बगल के योगफल के बराबर होता है। क्या बोले हम, बीच का दुगुना, तो बीच में कौन है, बी है, तो बीच का दुगुना, तो बीच में बी है, तो बीच का दुगुना कर दिए, दो गुना। अगल और बगल, जरा ध्यान दीजिएगा, अगल और बगल क्या है, ए और सी है, तो उसका योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ये याद रखिएगा। बीच का दुगना मतलब भाई साहब बीच वाला को पकड़िए, बीच वाला को पकड़िए और उसको दुगना कर दीजिए, अगल बगल को जो योगफल के जोड़फल के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से अगर बी का मान निकालिएगा मित्र, तो a प्लस सी और बटा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। यहां देखिए b का मान कैसे निकल गया, तो a प्लस सी बटा दो, ये गुना से क्या कर दिए, भाग में। एक बार और समझिए, यदि तीन पद, कितना पद, तीन पद, तीन पद ap में हो, तो ए बी सी हम मान लिए तीन पद है एपी में है, तो बीच का दुगुना, बीच का दुगुना, तो बीच में है बी, तो बी का कर दिया दुगुना। अगल और बगल, अगल और बगल, पहला और अंतिम ए और सी के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक जरा क्वेश्चन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन अलग से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए यहां है दो और यहां है, मान लेते हैं का यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, टू खाली स्थान और छह है, तो दो एक्स मान लिए, बीच में तो बॉक्स था, बीच में क्या था मित्र, बॉक्स था, और ये क्या है, छब्बीस है। इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो बीच वाला को हम क्या मान लिए, एक्स। तो आप देखिए यहां कितना पद है, तो तीन पद है, यदि तीन पद एपी में हो, तो ये देखिए तीन पद है और एपी में है, क्वेश्चन में दिया है, ये क्या चीज में है, एपी में। तो आगे बढ़ाएं, एपी में है तो हम जानते हैं कि बीच का दुगुना, बीच का दुगुना, बीच में क्या है, एक्स है, तो बीच का दुगुना, चलिए बीच का दुगुना कर दिए। और अगल और बगल, अगल और बगल पहला और अंतिम के योगफल के बराबर होता है, तो पहला है दो और अंतिम है छब्बीस, और योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, बीच का दुगना मतलब एक्स का दुगना, पहला और अंतिम का योगफल का, तो दो प्लस छब्बीस, दो प्लस छब्बीस योगफल के बराबर होता है। अब इसे हल कर दीजिए, तो देखिए 2x 26 और 2 28, 26 और 2 28, ये काट दीजिए कितना बार में, 14 बार में, तो x बराबर देखिए कितना आ गया, 14 आ गया, इसलिए x बराबर कितना, 14, यही आंसर हो गया। देखिए यहां से भी आंसर 14 ही आया था मित्र, और यहां से भी कितना आ रहा है, तो 14 ही आ रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से। तो ये मजेदार है कि नहीं, मतलब बंधु कोई भी देखिए इस तरह से रहे, क्वेश्चन और हम करके दिखा देते हैं। मान लीजिए इस बार पहला ही नहीं है, ये है आपका x है, और यहां मान लीजिए दो है, और यहां आपका छह है, और आपको पहला पद निकालना है, और ये क्या चीज में है, एपी में है, एपी में है। देखिए ये फॉर्मूला केवल तीन पदों के लिए लागू होगा, कितना पद के लिए, तीन पद के लिए, तो यहां तीन पद है भी, एपी में भी है, तो बीच का दुगना, तो बीच में क्या है, दो है, चलिए ठीक है, बीच का दुगना, तो बीच में दो है, तो इसका दुगना कर दिए, कोई दिक्कत, बीच का दुगना और अगल और बगल मतलब पहला और अंतिम के योगफल के बराबर, तो पहला है x और अंतिम है छह, तो योगफल के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। फिर से देखिए, बीच माने दो का दुगना, अगल बगल x प्लस छह के क्या होगा, बराबर, ये देखिए दो दुनी चार हो जाएगा, और यहां x प्लस क्या है, छह, ये इस तरफ आ जाएगा, तो देखिए चार और माइनस छह बराबर x हो गया। इसे जब हल कर दीजिएगा मित्र, यहां पे देखिए हम हल कर रहे हैं, तो इस तरफ आ गया माइनस दो, माइनस छह में चार गया तो कितना हो गया, माइनस दो, और यहां आ जाएगा x, तो x इजकल टू माइनस दो, तो यहां x इजकल टू मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस दो, यही इसका क्या है, आंसर है। तो हम आगे करते हैं, इसे आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए, नोट कीजिए। हम अब क्वेश्चन नंबर
वन का दूसरा करेंगे, दूसरा करेंगे, यही दो विधि से किए थे पहला क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा था, डेंजर खतरा है, इसे आप अच्छा से कंप्लीट रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, नोट कर लीजिए। तो अब हम करेंगे तीसरा का दूसरा बंधु, तीन का दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन का दूसरा करेंगे, तीन का दूसरा सेकेंड नंबर है। देखिए इसमें शुरू में ही बॉक्स है, कॉमा तेरह है, साथ में नोट करिए, साथ में नोट कीजिए, साथ में नोट कीजिए, अच्छा रहेगा। तेरह, उसके बाद एक बॉक्स और मिल गया, और उसके बाद यहाँ देखिए तीन है। यही क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा लगेगा आपको, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक दो तीन चार पद है, इसमें टोटल चार पद है, तो ये वाला मेथड डेंजर वाला नहीं लगेगा, जो डेंजर में था ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो रूल था वो तीन पद के लिए था, और यहां आ गया चार पद। तो चार पद वाला आप देखिए अच्छा से बनाते हैं, हम समझा देंगे पूरा क्लियर करके आपको। तो सुनिए, यह है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पद, यह सेकेंड पद, यह थर्ड पद, और यह है फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए मित्र, जो जो खाली है उसको मान लीजिए, यह पहला पद है तो इसे ए वन, ये हो जाएगा ए टू, ये हो जाएगा आपका ए थ्री, और ए वन और ए थ्री हमें निकालना है, ए वन और ए थ्री निकालना है। ये क्वेश्चन अगर सीख गए तो और सभी क्वेश्चन आपसे फटाफट बन जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या किए, जो बॉक्स खाली है उसे मान लिए। कैसे माने तो जरा देखिए, ये पहला है तो यहां हम ए वन लिख दिए, दूसरा तो दिया हुआ है दूसरा पद, तीसरा पद नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ए थ्री, और ये तो हो जाएगा ए फोर, मतलब ए वन और ये हो गया ए टू, ए थ्री और ये हो गया ए फोर, तो इससे हमको लेना देना नहीं है मित्र। अब आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या करेंगे सॉल्यूशन, हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवेन, जो जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। हमें पहला पद और तीसरा पद निकालना है, हमें पहला पद और तीसरा पद क्या करना है, निकालना है, तो निकालें। तो देखिए हम सबसे पहले गिवेन लिखें, जो जो दिया हुआ है, तो देखिए दूसरा पद दिया हुआ है और एक चौथा पद दिया हुआ है, देख लीजिए है कि नहीं, पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद हम लिख देते हैं ए टू इजकल टू तेरा है, और ये क्या है ए फोर हो जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो एक हो गया मेरा क्या मित्र ए फोर हो गया। तो यहां लिख देते हैं, यहां चूंकि ए फोर इजकल टू कितना है थ्री है, और यहां देखिए ए टू इजकल टू कितना है तेरह है, क्लियर है यहां तक, ए टू तेरह ए फोर थ्री दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला हम सिर्फ क्या करेंगे लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एन का फॉर्मूला। तो इससे हम पहले क्या करते हैं मिटा देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जरा ध्यान दीजिएगा, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है, तो चलिए क्लियर है। यहां देखिए चुकी है, ए टू का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा ए टू के लिए, मतलब ए एन के लिए, तो ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी और इजकल टू यहां कितना है तेरह है। देखिए मित्र जरा ध्यान दीजिए, इधर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इजकल टू कितना है थ्री है। देखिए ए फोर के जगह पे, मतलब ये ए एन के तरह काम कर रहा है, तो ए फोर मतलब ए एन हो गया,
तो ए एन का फॉर्मूला लगाएं, यहां भी ए एन का फॉर्मूला लगाएं। उसके बाद देखिए एन कितना है, तो टू है, मतलब ए टू है मित्र, तो एन के जगह पे कितना है, टू है। अच्छा से देखिए, तो n के जगह पे हम लोग रखेंगे 2, मतलब इतना आप समझ लीजिए कि ये जो यहां पे रहता है वो क्या n, तो यहां n है 2 और इसमें n कितना है 4 है। देखिए ठीक से, तो a लिख देते हैं सबसे पहले a, और प्लस n कितना है, तो n देखिए 2 है तो यहां रख देंगे 2 और माइनस 1, और d नहीं है तो यहां d, और इक्वल टू कितना है 13 है। अब इसमें भी इसी तरीका से कर देंगे, तो चलिए करते हैं। a तो a है, प्लस n कितना इसमें है 4 है, n कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और इंटू d इक्वल टू 3 हो गया। हल कर रहे हैं हम सिर्फ, अब यहां देखिए a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये गुना है मित्र, तो d और इक्वल टू 13। इसमें भी चलिए हल कर लेते हैं, ए प्लस 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 हो गया, और साथ में डी, और इक्वल टू इधर है 3। क्लियर है, यहां से ए का मान निकालिए, ए का मान हम क्या कर रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, ए बराबर यहां देखिए 13 है तो ये है आपका 13, और ये d है जो उस तरफ चला जाएगा, तो यहां 1d है, 1d है, तो 1d लिखिए चाहे ना, एक हटा भी सकते हैं आप, तो ये देखिए प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा d। क्लियर है, जरा ध्यान दीजिएगा, और इसे हम कर दिए इस तरह से, फिर से ये स्टेप समझिए, a का a लिखें, प्लस से 1d था तो उधर गया तो माइनस d, और 13 था, इसे इक्वेशन बोल दिए फर्स्ट। यहां देखिए मित्र, यहां क्लियर है आपका, चलिए a का मान कितना निकाले हैं, 13 माइनस डी, तो यहां पे देखिए a के जगह पे रख देंगे a, क्योंकि दोनों a तो सेम ही है, एक ही ap का प्रथम पद तो दोनों के लिए वही होगा, तो इसका भी a और इसका भी a दोनों का क्या है, सेम है। समझिए क्यों, क्योंकि एक ही ap के, एक ही समानांतर श्रेणी के प्रथम पद तो सबके लिए वही होगा, जैसे दो तीन हम लोग भाई बहन होते हैं लेकिन माता पिता तो हम लोग के लगभग सेम होते हैं, जो एक ही गर्भ से हम लोग जब जन्म लेते हैं तो माता पिता तो सेम होते हैं हम लोग के, तो आगे जरा देखिए उसी तरीका से यहां भी ये है और यहां भी है, तो इसका माता पिता यही होगा, मतलब प्रथम पद होगा, दोनों के लिए सेम होगा। यहां ए के जगह पे रख देंगे 13 माइनस डी, तो ए के जगह पे 13 माइनस डी, ए के जगह पे 13 माइनस डी, और प्लस 3d इक्वल टू 3 है। क्लियर है, अब यहां देखिए 13, ये 3d में से 1d जाएगा, घटेगा कि नहीं, देखिए 3d में से 1d गया तो 2d बचेगा, 3d में से 1d घटेगा तो 2d बचेगा, तो यहां हो जाएगा आपका 2d, यहां हो गया 3, और ये 13 उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो गया मित्र, 13 हो गया। यहां देखिए 2d हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा, ठीक से देखिए टकटकी लगा के, 13 में से 3 गया तो माइनस 10, ये 2 से कट गया 5 बार में, तो d निकल गया, इसलिए d इक्वल टू हो गया माइनस 5। क्लियर है यहां तक, d कितना निकाल लिए हम लोग, माइनस 5 निकाल लिए, तो इस तरफ थोड़ा मिटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए d इक्वल टू माइनस 5, तो d का मान यहां अगर हम रख दें, जरा ध्यान दीजिएगा, 13 और माइनस d के जगह पे ये मान हम रख रहे हैं, d के जगह पे तो माइनस 5 है, तो ये माइनस लिखें और d माइनस 5 है तो माइनस 5 हम रख दिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 13 प्लस 5 तो ये जुड़ जाएगा, तो 13 5 कितना होता है 5 3 18, ये हो जाएगा आपका 18। क्लियर है, तो देखिए ये प्रथम पद हो गया आपका, ये क्या हो गया प्रथम पद, तो a प्रथम पद a, या देखिए यहां पे a1, तो इसी को आप a1 भी बोल सकते हैं, तो प्रथम पद आ गया मेरा कितना 18, मतलब पहला बॉक्स में भरा गया मित्र, पहला बॉक्स में आ गया कितना 18। अब हमको a3 निकालना है, क्या निकालना है a3, तो यहां देखिए a3 निकाल देते हैं, चूंकि a3 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला तो होगा वही a प्लस
एन माइनस वन और इंटू क्या होगा डी होगा, एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए भी निकल चुका है, ए कितना निकला है, ए या ए वन, ए कितना 18, तो यहां रख दीजिए 18। एन एन कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। और डी भी देखिए निकाल चुके हैं -5। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा ए निकला, ए निकला तो ए मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद क्या था ए वन था, तो ये हो गया आपका ए वन। क्या हो गया ए वन हो गया, तो ये है ए वन। तो ए थ्री अब निकालना है हमको, ए थ्री ए थ्री, तो ए थ्री का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए एन का फॉर्मूला। तो ए देखिए 18 निकाले हैं तो 18 रखें, एन 3 था तो 3 रखें, और डी देखिए -5 तो -5। अब इसे हल कर दीजिए, तो हल करेंगे तो 18 और प्लस 3 में से एक गया, 3 में से एक गया तो 2, और गुने -5 हो गया। ये 5 दूना 10 तो 18 और 5 दूनी 10 -10, और ये घट जाएगा आपका 18 में से 10 जाएगा तो ये क्या बचेगा 8 बचेगा। तो देखिए ए वन निकला मेरा कितना, ए ए वन मेरा निकला 18 और ए थ्री निकल गया मेरा 8, तो इसमें भराएगा कितना 18 और उसमें आ जाएगा ए थ्री में 8, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आराम से लिखिए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा का तीसरा करेंगे, कौन सा जी तीसरा का तीसरा, तो जरा ध्यान दीजिए इसमें और मजा आने वाला है तीसरा का तीसरा में। ये देखिए 5 है, ये देखिए दो गो बॉक्स है, लगातार दो बॉक्स है, और उसके बाद 9 पूर्णांक 1/2। क्वेश्चन यही है मित्र, जरा देख लीजिए अच्छा से, क्वेश्चन अच्छा से आप देखिए। ये दोनों बॉक्स को हमें क्या करना है, भरना है, ये बॉक्स में क्या होगा और ये बॉक्स में क्या होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन बनाए हैं हूबहू इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ये ए वन है और ये ए टू है, ये ए थ्री है और ये ए फोर है, तो जो बॉक्स है उसको हम मान लेंगे। तो ये ए वन और ये हो जाएगा क्या ए टू, और ये हो जाएगा ए थ्री, और ये है आपका ए फोर। सोच के देख लीजिए एक बार, एक बार सोच कर देखिए, ए वन मतलब प्रथम पद ए वन, ये है ए टू, ये है ए थ्री और ये है ए फोर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखे थे, गिवेन गिवेन, तो इसमें भी लिख देते हैं गिवेन, बिल्कुल इसी के जैसा बनाएंगे। तो देखिए मित्र ये हो गया आपका गिवेन हो गया। तो देखिए प्रथम पद दिया हुआ है मेरा, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेना है। तो देखिए प्रथम पद मतलब ए वन, या इसी को ए बोलिए, ए वन बोलिए चाहे ए, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ये है आपका 5 दिया हुआ है, उसके बाद ये देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, और आपका ए फोर दिया हुआ है, ए फोर, ए फोर कितना है तो 9 पूर्णांक 1/2, देख लीजिए ए फोर है, ए फोर 9 पूर्णांक 1/2, ये गिवेन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ए ए फोर मतलब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, लगा दें ए एन का सूत्र, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू, देखिए इसको पूर्णांक से तोड़ देंगे पहले, तो 9 दुनिया 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/2। इसी तरह से तोड़ते हैं, क्या किए हम 2 को 9 से गुना किए, 9 दुनिया 18 में 1 जोड़े तो 19 और बटा 2। एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए बताइए दिया हुआ है क्या, तो ए देखिए तो ए कितना है 5 है, देख लीजिए ए ए क्या है 5 है, तो ए हम रख दिए 5, क्लियर है। प्लस एन मित्र एन 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 एन, तो एन जो है मेरा देखिए कितना है 4 है, ए फोर ए फोर, तो एन कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 और -1, और डी है क्या तो डी नहीं है, और यहां 19/2 है 2 है, क्लियर।
ए का मान था पांच रख दिए, एन का माइनस ये चार था रख दिए, माइनस वन और डी नहीं है, इसे हल करेंगे। क्या करेंगे हल? देखिए पांच को हम उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में होगा, चार में से एक गया तो थ्री डी, चार में से गया थ्री डी हो गया, ये क्या हो गया थ्री डी, चार में से एक गया तो थ्री डी, और उस तरफ देखिए उन्नीस बटा दो है और ये उस तरफ गया पांच तो माइनस क्या हो गया मित्र पांच हो गया। क्लियर है? अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेने आता है आपको, जल्दी बताइए क्या होगा। तो यहां देखिए उन्नीस माइनस पांच दूना दस होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पांच दूना दस तो ये माइनस क्या हो गया दस हो गया, उन्नीस में से दस गया तो नौ हो गया तो ये नाइन बटा दो। यहां देखिए मित्र थ्री डी है, थ्री डी और बराबर नाइन बटा दो। अब देखिए ये तीन से नौ कट जाएगा, तीन तिया नौ काटने आता है आपको, तीन से नौ कटा क्या तो कट गया, तीन से नौ कटा तीन तिया नौ तो ये बच गया थ्री बाई टू। तो यहां जरा आप टकटकी लगा के देखिए, इसलिए d बराबर, यहां देखिए d सिर्फ बचा d, तो d बराबर थ्री बटा दो तो ये हो जाएगा थ्री और बटा दो तो ये हो गया d, निकल गया आपका कितना मित्र थ्री बाई टू। तो हमें a2 निकालना है और ये थ्री निकालना है, तो देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा a2, तो जरा देखिए हम पहला नंबर निकाल रहे हैं a2, a2 पहले निकाल रहे हैं, पहला क्या निकाल रहे हैं जी a2 निकाल रहे हैं। तो a2 निकालने के लिए सबका गैपिंग कितना का है, d निकल गया तो 3 बाई 2 का, तो हम दूसरा निकाल रहे हैं तो ये है a, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है टर्म तो ये है क्या, हम कैसे मानते थे a, ap का व्यापक रूप, a प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, इस तरह से मानते थे। देख लीजिए एक दो तीन चार, समझिए, और इसमें भी है एक दो तीन चार, चार को ले लिए तो ए दिया हुआ है प्रथम पद, देखिए पांच दिया हुआ है, देख लीजिए दूसरा ए प्लस डी होगा तो ए टू जो होगा यहां से ए प्लस डी, ए प्लस डी, एक बार और आप समझिए, एक बार और समझिए कितना पद है जी, चार पद है सर, यहां कितना पद लिए हैं a, a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, चार पद। पहला तो a देखिए पांच है, दूसरा a2 तो इसमें दूसरा a प्लस डी तो यहां लिख दिए प्लस डी, और हमको कौन सा चाहिए a3, तो यहां से अगर a3 हमको निकालना है a3 तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तो a प्लस टू डी हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका a प्लस 2D। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, a का मान देखिए यहां निकला हुआ है पांच तो ये रख दिए पांच, और d कितना निकाले हैं तो 3 बाई 2 तो ये 3 बाई 2। एलसीएम ले लीजिए एक बार में, एक बार में एलसीएम देखिए एकदम सीख जाइएगा, पांच दूना दस, एलसीएम लिए दो तो पांच दूना दस, पांच दूना दस और दस और तीन तेरह होगा कि नहीं जुटेगा, पांच दूना दस और प्लस तीन तो ये हो जाएगा तेरह और बटा दो, ये हो गया आपका a2, a2 निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं कौन सा a3 निकाल रहे हैं, तो a का मान तो मित्र है पांच, आपका पांच रख दें तो a के जगह पे रख देंगे पांच और प्लस टू और d तो थ्री बाई कितना है टू है, d निकालें थ्री बाई टू तो ये टू 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 कट गया, पांच और प्लस तीन देख लीजिए पांच और प्लस तीन कितना हो जाएगा आठ, यही इसका आंसर हो गया ये, और ये क्या हो गया आंसर, a2 जो है 3 बाई 2 आया और a3 जो आया 8 आया, तो यहां तक ये हो गया। अब ऐसे अगर आपको निकालने का इच्छा नहीं, अगर इस तरह से नहीं निकालने की इच्छा हो तो जरा देखिए एक तरीका और हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं, देखिए जरा आपका मन है कि हम इस तरीका से नहीं निकाले इस तरीका से, तो दूसरा तरीका ये पूरा हम डिलीट कर देते हैं, आपका इच्छा है कि ये तरीका से हम नहीं निकाले तो दूसरा तरीका देखिए, हमें a2 चाहिए,
क्या चाहिए? ए टू। सबसे पहले ए टू निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे मित्र ए एन का। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए ए देखिए प्रथम पद कितना था? पांच था, तो यहां हम रख दिए पांच। प्लस एन, एन तो यही होता है दो है, दूसरा पद है, एन कितना है? दूसरा पद है, तो एन के जगह पे रखेंगे दो माइनस वन। और डी कितना निकाले थे मित्र? तो डी देखिए थ्री बाई टू था, देख लीजिए ध्यान से, थ्री बाई टू है, तो यहां रख देंगे थ्री बाई टू। अब हल कर लीजिए इसे, पांच प्लस दो में से एक गया, दो में से एक गया तो एक, और थ्री बाई टू एलसीएम ले लेंगे दो, तो पांच दूना दस, एलसीएम पाँच दूना दस, और प्लस यहां हो जाएगा थ्री, तो दस और तीन हो जाएगा तेरह, और तेरह बटा हो जाएगा दो। देखिए ए टू यहां से तेरह बटा दो आया, यहां भी ए टू देखिएगा तेरह बटा कितना है? दो है, देख लीजिए अच्छा, तेरह बटा दो, यहां भी तेरह बटा दो। तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, बात क्या होगा? समान होगा दोनों में, इसको एक ही मेथड का प्रयोग करना। अब हमें ए थ्री निकालना है, क्या निकालना है? ए थ्री, तो ए थ्री तो फॉर्मूला लगा देना है एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, चलिए डी लगा दिए। क्लियर है? अब आगे हल करते हैं। ए देखिए मित्र यहां पे पांच रखे थे, यहां भी पांच है, एन इसका देखिए थ्री, एन कितना है? थ्री, तो थ्री माइनस वन और इंटू डी, डी डी, तो डी देखिए थ्री बटा दो था, थ्री बटा दो मान रख दिए हम। के लिए पांच प्लस तीन में से गया दो और गुना थ्री बाई दो, तीन में से गया दो, थ्री बाई दो, दो दो कट गया, पांच तीन कितना? आठ। तो दूसरा पद था ये थ्री तेरह बटा दो, और तीसरा पद था आठ, और यहां भी देखिए तीसरा पद क्या था? आठ। ए थ्री था आठ, और यहां भी देखिए थ्री कितना आया? आठ। तो यहां तक आप अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए मित्र, नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार घर में आपको बनाना है चेचिस तगड़ा करके, ताकि गणित रिवीजन का चीज है, प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा। तो अच्छा से नोट कीजिए आप।